हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर का हार्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। इस कॉन्सेप्ट को लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं, नर्वस होते हैं, उनको कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये टॉपिक। सो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको मैं ये टॉपिक आसान तरीके से समझा सकूँ। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आपने अगर प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर हमने लिंक मेंशन की है, प्रीवियस सेशंस जाकर देखिए, क्योंकि ये चैप्टर का बहुत ज़्यादा वेटेज है। इट कैरीज 8 to 10 मार्क्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें से कुछ स्किप नहीं कर सकते। तो प्रीवियस सेशंस पहले देख लीजिए, फिर आज का सेशन देखिए, तो आपको एक कनेक्टिंग लिंक पता चलेगी एंड यू विल बी मोर कम्फर्टेबल वाइल अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट विद आर टुडेज सेशन। अभी आज के सेशन में हम हार्ट का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, फिर इसके बाद हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, आने वाले सेशंस में ये टॉपिक्स कवर करेंगे। सो पहले तो आप मुझे ये बताइए एक जनरल क्वेश्चन, व्हाट इज हार्ट? हार्ट क्या होता है? हार्ट इज एन ऑर्गन विच हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। मतलब हार्ट को एक सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या दी गई है? ब्लड को पंप करने की। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है? ब्लड को पंप करने की। हम ऐसे ही बेचारे को स्ट्रेस देते रहते हैं कि ये हार्ट हमारा गलत डिसीजन लेता है। कुछ डिसीजन विसीजन लेने का काम नहीं होता है हार्ट का। हार्ट का एक ही काम होता है, ब्लड पंप करना। और ब्लड को, जब वो हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो कौन सा ब्लड पंप करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। हमने डबल सर्क्यूलेशन पढ़ा है, सिस्टमिक सर्क्यूलेशन एंड पल्मोनरी सर्क्यूलेशन। तो ये टॉपिक्स आपको अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए। और एक क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है हार्ट से रिलेटेड, कि ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? 4 चेंबर्स। और कॉकरोच के हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं? ये मेरा आज के लिए क्वेश्चन है आपके लिए। ओके, सो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि कॉकरोच के हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं, क्योंकि आपने 11th स्टैंडर्ड में जब आप स्टडी ऑफ एनिमल टाइप्स पढ़ रहे थे तो हमने कॉकरोच का पूरा सर्कुलेशन पढ़ा है। तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए कि कॉकरोच के कितने चेंबर्स होते हैं, कॉकरोच के कितने हार्ट चेंबर्स होते हैं, हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ अ कॉकरोच। ओके, सो हमने क्या बोला, ह्यूमन हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं और ह्यूमन हार्ट का काम क्या होता है? टू सप्लाई ब्लड, टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब जिन लोगों को लगता है कि हार्ट राइट साइड में प्रेजेंट होता है तो वो गलत है, जिन लोगों को लगता है कि हार्ट कंप्लीटली लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है वो भी गलत है। हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हार्ट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर, बस उसका जो अपर एंड होता है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है। हार्ट पूरा लेफ्ट साइड की तरफ नहीं होता है, हार्ट सेंटर में प्रेजेंट होता है और वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ टिल्टेड होता है, मतलब ऐसे झुका हुआ होता है। इसीलिए बोलते हैं कि हार्ट का मेजर पोर्शन लेफ्ट साइड में है, पूरा हार्ट लेफ्ट साइड में प्रेजेंट नहीं होता है। तो चलिए इंट्रोडक्शन देखते हैं। अब इंट्रोडक्शन में देखिए हमको क्या बताया गया है। हार्ट इज़ द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जब भी हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स सप्लाइंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम मीन्स इनटेक एंड एक्सहेलिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन। सो हार्ट इज़ द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। और उस हार्ट दिखने में कैसा होता है? इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। व्हाट इज़ द अपीयरेंस ऑफ द हार्ट? इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। इट इज़ अ हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। हॉलो मतलब क्या होता है? समझो ये आपका हार्ट है तो दिखने में ये ऐसे दिख रहा है, लेकिन अंदर से ये कैसा है? पेन देखो, पेन अंदर से आर पार हो रहा है। सो अंदर से ये हार्ट हॉलो होता है, हॉलो मतलब खाली होता है, खोखला होता है, तभी तो उसके अंदर ब्लड रह सकता है। अगर हार्ट ऐसे बंद होता, अगर ऐसी कोई ओपनिंग नहीं होती, हार्ट ऐसे क्लोज्ड स्ट्रक्चर होता तो ब्लड कैसे उसके आर पार हो सकता था? नहीं हो पाता। इसीलिए क्या याद रखना है आपको? दैट हार्ट इज़ अ रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर, इट इज़ अ हॉलो मस्क्यूलर ऑर्गन। मस्क्यूलर ऑर्गन बोला मतलब क्या है? प्लीज़ इसको अच्छे से समझो। मस्क्यूलर ऑर्गन मतलब हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कंप्लीट मसल्स। हार्ट में कोई भी बोन नहीं होती है, हार्ट एक प्योर मस्क्यूलर ऑर्गन है, उसमें सिर्फ मसल्स हैं। ओके, कौन कौन से टाइप के मसल्स हैं, कौन कौन सी लेयर हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। सो हार्ट इज़ अ रेडिश ब्राउन ऑर्गन, हॉलो मस्क्यूलर इन नेचर, रफली द साइज ऑफ फिस्ट। मतलब हार्ट की जो साइज़ होती है, अभी इंडिविजुअल का जैसा बॉडी हाइट होगा उसकी बॉडी के हाइट के हिसाब से, उसकी बॉडी के वेट के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल के हार्ट का साइज़ डिफरेंट होता है। और हर एक इंडिविजुअल के हार्ट का साइज़ कैसा होता है? उसकी फिस्ट के साइज़ का। कैसा होता है? उसकी फिस्ट के साइज़ का, उसकी मुट्ठी के साइज़ का। अभी समझो अगर मेरी हाइट बॉडी इतनी है तो मेरा हार्ट इतना होगा। अगर हम किसी 6 feet या 7 feet के इंसान की बात करें तो उसके हार्ट का साइज़ इतना नहीं होगा, उसके हार्ट का साइज़ डेफिनेटली मुझसे बड़ा होगा, क्योंकि उसका बॉडी बड़ा है और उसकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होना है। तो उसके हार्ट का साइज़ उसकी मुट्ठी के साइज़ जितना होगा। एक जब नया बच्चा पैदा होता है तो उसका हार्ट का साइज़ कितना होता है?
उसके मुट्ठी के जितना। तो ये हार्ट की जो है ये मस्कुलर ग्रोथ होती रहती है जब तक बॉडी की ग्रोथ होती है। सो क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, दैट हार्ट इज़ रफली द साइज ऑफ वंस फिस्ट, मतलब एक इंसान की जितनी मुट्ठी होती है उतनी मुट्ठी के साइज़ का उसका हार्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली। ओके, अब हार्ट का वेट कितना होता है? सो हार्ट का अप्रॉक्सीमेट मतलब एक एवरेज वेट निकाला गया है। सो द एवरेज वेट इन मेल्स और फीमेल्स में अलग अलग वेट बताया गया है। एवरेज वेट इन मेल्स इज़ अबाउट 300 ग्राम्स एंड इन फीमेल्स इट इज़ अबाउट 250 ग्राम्स। इसको अंडरलाइन करो, याद करो, आपको ब्रेन का वेट, किडनी का वेट, हार्ट का वेट, लंग्स का वेट, ये सब याद रखना है क्योंकि ये आपको एंट्रेंस के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। सो हार्ट का एवरेज वेट कितना बताया गया है हमको, 300 ग्राम्स इन मेल्स एंड 250 ग्राम्स इन फीमेल्स। यहाँ तक समझ में आया पक्का? ऑल राइट, अब आगे देखो आगे क्या बताया जा रहा है। इट इज़ कोनिकल इन शेप एंड इट लाइज इन मीडियास्टेनम। हार्ट का शेप कैसा होता है? कोनिकल होता है। कोनिकल मतलब ऊपर से, मतलब आपका हार्ट जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है ऐसा। ओके, सो आपका जो हार्ट होता है इट इज़ कोनिकल इन शेप, मतलब एक एंड उसका कोनिकल है, एक एंड उसका टेपरिंग है और दूसरा एंड उसका ब्रॉड है। सो इट इज़ कोनिकल इन शेप एंड इट लाइज इन मीडियास्टेनम। और ये हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट इज़ प्रेजेंट इन मीडियास्टेनम। मीडियास्टेनम मतलब क्या होता है? आपके लंग्स के बीच में जो जगह प्रेजेंट है, आपके बॉडी के जो लंग्स हैं, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि यहाँ पर एक लंग है और यहाँ पर आपका दूसरा लंग्स है, करेक्ट है? तो आपका ये जो राइट वाला, मतलब जो आपका लेफ्ट वाला लंग होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि हार्ट लेफ्ट के साइड टिल्टेड होता है। तो अगर मैं इसको ड्रॉ कर दिखाऊँ आपको, तो आपको आपका हार्ट कैसे देखने को मिलेगा? जस्ट अ सेकेंड, सी ये देखो, समझो यहाँ पर आपके ऐसे लंग्स हैं, यहाँ पर ये एक लंग और यहाँ पर ये दूसरा लंग्स, ठीक है? तो लंग्स के बीच में ये बोन पीछे से, हार्ट के पीछे से लंग्स की ट्रैकियल बोन जाती है या स्टर्नम, आगे से मतलब ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। अंदर की तरफ हार्ट का जो बॉडी कैविटी है, मतलब हमारे ये जो लंग्स की ये जो सामने की हड्डी हमारी रिब केज है, रिब केज के पीछे जो ऐसे पिंजरे जैसी जगह प्रेजेंट है, एक केज के जैसी खाली जगह प्रेजेंट है, वहाँ पर हार्ट को रखा गया है। सो पीछे की तरफ हार्ट को जहाँ रखा गया है, वो हार्ट कैसे देखने को मिलेगा आपको? ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, मतलब वो लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है। किस तरफ थोड़ा सा टिल्टेड है? लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है। इसीलिए लेफ्ट वाला लंग जो होता है वो नीचे होता है और राइट वाला लंग जो होता है वो ऊपर होता है। तो क्या बोला गया है हमको इधर पे कि हमारा जो हार्ट है कहाँ पर प्रेजेंट होता है? द हार्ट लाइज इन मीडियास्टेनम। मीडियास्टेनम मतलब द स्पेस बिटवीन द टू लंग्स, दो लंग्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, वहाँ पर आपका हार्ट प्रेजेंट है। इसको अंडरलाइन कर लो, मीडियास्टेनम का मतलब क्या होता है वो अच्छे से समझ लो। अब आगे देखो क्या बोला गया है। इट इज़ ब्रॉडर एट अपर एंड एंड कोनिकल एट लोअर एंड। क्या बोला गया है? हमारा जो हार्ट होता है वो हार्ट कैसा होता है? अपर एंड में ब्रॉडर होता है, मतलब हार्ट का जो ऊपर का पार्ट होता है वो मोटा होता है और नीचे का पार्ट जो होता है वो कोनिकल होता है। सो अपर एंड इज़ ब्रॉडर, दैट इज़ द बेस इज़ ब्रॉडर एंड द लोअर एंड इज़ कोनिकल, मतलब हार्ट का जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज़ कोनिकल इन शेप। ध्यान से देखो इधर पे, सो इट इज़ ब्रॉडर एट अपर एंड एंड कोनिकल एट लोअर एंड। ओके, कोनिकल एंड इज स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड एंड रेस्ट अबव डायफ्राम। अब क्या बोला गया है हमको इधर पे कि हमारे हार्ट का जो ये कोनिकल एंड होता है, मतलब ऐसा हमारे हार्ट का जो ये कोनिकल एंड होता है वो कौन सी तरफ टिल्टेड होता है? मैंने उल्टा बताया था कैसा होता है हमारा हार्ट। हार्ट का जो नीचे वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड होता है। कहाँ पर शिफ्टेड होता है? लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड होता है, जिसके वजह से लेफ्ट लंग्स नीचे चले जाता है। ओके, सो द कोनिकल एंड ऑफ द हार्ट इज टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। द कोनिकल एंड ऑफ द हार्ट इज स्लाइटली, पूरा नहीं थोड़ा सा, द कोनिकल एंड इज स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड एंड रेस्ट अबव डायफ्राम। और आपके लंग्स के ऊपर, मतलब लंग्स के नीचे जो डायफ्राम प्रेजेंट है, रेस्पिरेशन वाला पार्ट देखो, सेकेंड या थर्ड वीडियो हमने देखा था इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, तो उसमें हमने देखा था कि लंग्स के नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है। तो आपके हार्ट का जो कोनिकल एंड है वो उस डायफ्राम के ऊपर आराम से रेस्ट करता है। ओके, सो इतना इंट्रोडक्शन देख लो, क्या क्या बोला हमने। हार्ट इज़ द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज़ रेडिश ब्राउन। इट इज़ हॉलो मस्क्युलर ऑर्गन मेड अप ऑफ ओनली मसल्स। द साइज इज़ अबाउट अ फिस्ट। एवरेज वेट इज़ 300 ग्राम्स इन मेल्स, 250 ग्राम्स इन फीमेल्स। इट इज़ कोनिकल शेप। इट लाइज बिटवीन द कैविटी ऑफ द लंग्स।
इट इज़ ब्रॉडर एट द अपर एंड एंड कोनिकल एट द लोअर एंड एंड द लोअर कोनिकल एंड इज शिफ्टेड टूवर्ड्स द लेफ्ट लंग. कोनिकल एंड कहाँ पर शिफ्टेड है? लेफ्ट लंग की तरफ शिफ्टेड है और डायफ्राम के ऊपर वो कोनिकल एंड आराम से बैठ जाता है. मतलब ऐसा इमेजिन करो कि दिस इज़ द डायफ्राम और ये आपका हार्ट है, तो ये हार्ट का जो ये कोनिकल एंड है ये डायफ्राम के ऊपर आराम से बैठ गया है ऐसे. ओके, सो यहाँ तक समझ में आया? ऑल राइट, हमने हार्ट का इंट्रोडक्शन देख लिया. अब देखते हैं हार्ट का बेसिक शेप, मतलब हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसका आउटर मेम्ब्रेन कैसा होता है. हमेशा याद रखो, आपका जो हार्ट है वो एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन या पर्टिकुलर सैक के अंदर बंद होता है. सैक मतलब क्या होता है? एक कवर जैसा स्ट्रक्चर, एक गोनी के जैसा स्ट्रक्चर. ओके, जैसे आप मोबाइल के ऊपर स्क्रैच गार्ड लगाते हो या उसको कवर पे प्रोटेक्ट करके रखते हो, तो वैसे ही हमारा हार्ट जो है, इस हार्ट के आजू बाजू में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो पहले हम इस सैक लाइक स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे और फिर बाद में हम हार्ट के लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो आवर हार्ट इज एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम. आपका ये हार्ट है और हार्ट के आजू बाजू में हमने एक लेयर कवर करके रख दी है हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए. और ये जो लेयर है जो हार्ट के आजू बाजू में ऐसे प्रोटेक्ट कर रही है हार्ट को, इस लेयर को हम बोलते हैं पेरिकार्डियम. पेरी मतलब क्या होता है? साइड का लेयर. पेरी मतलब क्या होता है? साइड का लेयर. और ये किसको कवर कर रही है? हार्ट को. हार्ट का दूसरा नाम क्या है? कार्डियक मसल. हार्ट का दूसरा नाम क्या है? कार्डियक मसल. सो हमारे हार्ट को जो लेयर कवर कर रही है उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम. देखो, आपका जो हार्ट का मसल है, आपका हार्ट का मसल मतलब ये जो हार्ट हमारा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, ये तीन टाइप के मसल से बना है. कौन से मसल से बना है? तीन टाइप के मसल से, एपिकार्डियम, एंडो मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. हमारा हार्ट जो है वो तीन मसल से बना है. एपिकार्डियम मतलब आउटर मसल ऑफ द हार्ट, मायोकार्डियम मतलब मिडल पार्ट ऑफ द हार्ट एंड एंडोकार्डियम मतलब हार्ट के अंदर का एकदम पतला लेयर. पर अभी हम हार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम हार्ट के बाहर ये जो कवर है हम इसकी बात करने जा रहे हैं. प्लीज़ ध्यान रखो, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम पेरिकार्डियम हार्ट का पार्ट है या हार्ट के बाहर का लेयर है. सो याद रखो, हम पेरिकार्डियम की जो बात कर रहे हैं, ये पेरिकार्डियम हार्ट के बाहर का लेयर है. किसका लेयर है? हार्ट के बाहर का, जो हार्ट को कवर कर रहा है. मतलब पेरिकार्डियम इज़ लाइक योर मोबाइल स्क्रैच कार्ड. ओके, सो आपका ये जो हार्ट पेरिकार्डियम है ये मोबाइल के स्क्रैच गार्ड जैसा है. सो इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट. पेरिकार्डियम भी दो लेयर्स से बना है. ओके, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. पर याद रखो, हार्ट अगर बोला कि हार्ट कौन कौन से मसल से बना है, सो हार्ट इज मेड अप ऑफ थ्री मसल. आउटर मसल इज एपिकार्डियम, इनर मसल इज मायोकार्डियम, और मायोकार्डियम के अंदर जो लेयर प्रेजेंट है, मतलब ऐसा इमेजिन करो कि आपका ये हार्ट है, तो हार्ट का बाहर का लेयर इज एपिकार्डियम. दिस लेयर इज मायोकार्डियम, और अंदर की तरफ ये जो लेयर होगी, अंदर की तरफ जो लेयर सराउंड करेगी, दैट विल बी एंडोकार्डियम. और एंडोकार्डियम के अंदर मतलब फिर जो खाली जगह बचेगी वहाँ पे ब्लड रहेगा. सो दिस विल बी एपिकार्डियम ऑफ द हार्ट. मैं हार्ट की बात कर रही हूँ. दिस विल बी द एपिकार्डियम ऑफ द हार्ट. फिर बीच में जो मोटा मोटा लेयर रहेगा दैट विल बी द मायोकार्डियम. मिडल मीन्स मायो, और इस मायोकार्डियम को प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर की तरफ जो लेयर ऐसे सराउंड होगी दैट विल बी द एंडोकार्डियम. और एंडोकार्डियम के बाद फिर जो ऐसे खाली हॉलो स्पेस बचेगा, दिस एम्प्टी स्पेस, इधर पे ब्लड प्रेजेंट रहेगा. सो हार्ट के तीन मसल्स कौन से, मतलब हार्ट कौन से तीन लेयर्स से बना है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, इसके बारे में हम फिर से डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हमको किसके बारे में पढ़ना है? पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ना है. किसके बारे में पढ़ना है? पेरिकार्डियम. व्हाट डू वी मीन बाय पेरिकार्डियम? पेरिकार्डियम इज नथिंग बट आउटर मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर. व्हाट इज पेरिकार्डियम? पेरिकार्डियम इज आउटर मेम्ब्रेनस सैक लाइक स्ट्रक्चर. मतलब ये आपका हार्ट है और हार्ट को आपने एक सैक से प्रोटेक्ट किया है. सो दिस इज पेरिकार्डियम. ओके, पेरिकार्डियम इज फॉर्म्ड ऑफ टू मेन लेयर्स. आपका पेरिकार्डियम कौन से दो लेयर्स से बना है? आउटर फाइब्रस एंड इनर सीरस लेयर. कौन सी दो मेम्ब्रेन से बना है आपका? ये देखो, ये आपका पेरिकार्डियम है. ये ब्लैक से लेकर ग्रीन तक का जो लेयर है, दिस इज योर पेरिकार्डियम. दिस पेरिकार्डियम इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स, आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड इनर सीरस पेरिकार्डियम. अब ये जो आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम है, देखो यहाँ पर मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अच्छे से ड्रॉ करके बताया है. दिस ब्लैक वन इज द आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम. ये फाइब्रस पेरिकार्डियम कैसा होगा? इट विल बी थिक एंड इट विल प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम एनी मैकेनिकल इंजरी. मतलब हार्ट को ये बाहर से आने वाले किसी भी बैक्टीरिया, एंटीजन या
मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये फाइबर जैसा है, जैसे आपके मोबाइल का कवर. ओके, सो फाइबरस पेरिकार्डियम का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ऑफ द हार्ट. फिर अब बारी आती है सीरस पेरिकार्डियम की. किसकी बारी आती है? सीरस पेरिकार्डियम की. डायग्राम में देखो ध्यान से, फाइबरस पेरिकार्डियम के बाद अंदर, मतलब हम एक ही हार्ट का ये जो लेयर है ना, मैं इसी लेयर की बात कर रही हूँ, लेकिन ये लेयर भी दो लेयर से बना है, एक फाइब्रस पेरिकार्डियम से और एक सीरस पेरिकार्डियम से. और ये जो सीरस पेरिकार्डियम है, ये देखो, ये जो मिडल लेयर है ना, ये जो सीरस पेरिकार्डियम है, ये सीरस पेरिकार्डियम भी दो लेयर से बना है. मतलब क्या बता रही हूँ मैं आपको, ये आपका हार्ट है, और ऐसा इमेजिन करो ये आपका हार्ट है और ये आपके हार्ट का लेयर है. तो ये हार्ट का लेयर दो मेम्ब्रेन से बना है, आउटर फाइब्रस पेरिकार्डियम मतलब ऊपर का फाइब्रस और नीचे का सीरस. लेकिन सीरस वाला जो लेयर है वो वापस दो लेयर से बन गया है. तो मतलब ये कैसा दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द आउटर लेयर. ओके, दिस इज़ फाइब्रस लेयर एंड दिस इज़ सीरस लेयर. ये फाइब्रस है और ये सीरस है. लेकिन ये सीरस को भी अगर मैं जूम करके देखूँ तो ये ऐसे दो लेयर से बना है. मतलब ये पेरिकार्डियम है. ये क्या है? ये दोनों लेयर पेरिकार्डियम बना रहे हैं. पेरिकार्डियम का आउटर लेयर इज फाइब्रस लेयर, इनर लेयर इज सीरस लेयर. और सीरस लेयर को भी अगर मैं जूम करके देख रही हूँ तो वो वापस दो लेयर से बना है, एक पराइटल और एक विसरल. ओके, चलो देखते हैं. सो हमारा जो सीरस पेरिकार्डियम है, इस सीरस पेरिकार्डियम का जो बाहर का लेयर है उसको हम बोलते हैं पराइटल लेयर. कौन सा लेयर बोलते हैं? पराइटल. हमेशा याद रखो, आपको बायोलॉजी में जब जब ये वर्ड आएगा, जब जब पराइटल ये वर्ड आएगा, तब तब आपको क्या समझना है कि हम आउटर लेयर की बात कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं? हम आउटर लेयर की बात कर रहे हैं. सो पराइटल लेयर मीन्स आउटर लेयर. फिर पराइटल लेयर के बाद क्या आता है? मिडल फ्लूइड. मतलब ये जो पेरिकार्डियल स्पेस प्रेजेंट है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में ये जो खाली जगह प्रेजेंट है, ये जो ब्लैक कलर का मैंने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाए हैं, सो आउटर ऑरेंज लेयर इज पराइटल लेयर. इट इज़ द आउटर लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम. फिर ये जो बीच में ब्लैक कलर का स्पेस प्रेजेंट है, दैट इज पेरिकार्डियल स्पेस. कौन सा स्पेस प्रेजेंट है? पेरिकार्डियल स्पेस. और इस पेरिकार्डियल स्पेस का फंक्शन हम इधर पे पढ़ेंगे. और पेरिकार्डियल स्पेस के बाद फिर ये जो अंदर का नीचे का, मतलब हार्ट के मसल के साइड का जो लेयर आता है, मतलब इमेजिन करो आपका ये पेरिकार्डियम है और ये हार्ट है. ये पेरिकार्डियम है और ये हार्ट है. पेरिकार्डियम ऐसे है. सो ये बाहर का लेयर हो गया और ये अंदर का लेयर हो गया पेरिकार्डियम का. क्या बोला मैंने? ये आपका बाहर का लेयर हो गया पेरिकार्डियम का और ये आपका अंदर का लेयर हो गया. करेक्ट है? तो बाहर का जो लेयर है, दैट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम. ये जो एकदम बाहर की साइड है, दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम. अब बीच में सीरस पेरिकार्डियम है. सीरस पेरिकार्डियम का आउटर पार्ट इज पराइटल लेयर. और सीरस पेरिकार्डियम का ये जो इनर वाला पार्ट होगा, ये मेरा हाथ का ये वाला साइड जो होगा, दैट इज विसरल पेरिकार्डियम. कौन सा पेरिकार्डियम है? वो विसरल पेरिकार्डियम. और उसको ही हम बोलते हैं फर्स्ट लेयर ऑफ द फर्स्ट मसल ऑफ द हार्ट. उसको ही हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट मसल ऑफ द हार्ट, दैट इज एपिकार्डियम. देखो अच्छे से इमेजिन करने की कोशिश करो, ये आपका हार्ट है और ये मेरा पेरिकार्डियम है. पेरिकार्डियम का बाहर का जो पार्ट है, मतलब मेरे हाथ का जो ये डॉर्सल साइड दिखाई दे रहा है, दिस इज फाइब्रस पेरिकार्डियम. और ये वाला साइड सीरस पेरिकार्डियम है. ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम, सीरस पेरिकार्डियम. फाइब्रस पेरिकार्डियम तो एक ही लेयर है, लेकिन ये जो सीरस पेरिकार्डियम है, ये दो लेयर से बना है. मतलब ये जो थिकनेस है, ये दो लेयर से बना है. तो सीरस पेरिकार्डियम का ये वाला जो साइड है, ये हार्ट का फर्स्ट लेयर बन जाता है. सीरस पेरिकार्डियम का जो ये वाला साइड है, ये हार्ट का फर्स्ट लेयर बन जाता है. तो सीरस पेरिकार्डियम का ये साइड कौन सा है? इट इज़ द विसरल लेयर. कौन सा है वो? विसरल लेयर. क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं सीरस पेरिकार्डियम का फर्स्ट लेयर है, दैट इज़ पराइटल लेयर. देखो ये पूरा सीरस पेरिकार्डियम है. सीरस पेरिकार्डियम का जो बाहर का साइड है, दैट इज़ द पराइटल लेयर, जो फाइब्रस पेरिकार्डियम से जुड़ा हुआ है. और सीरस पेरिकार्डियम का जो अंदर वाला साइड है, जो हार्ट से टच हो रहा है, ये पेरिकार्डियम का जो अंदर वाला साइड है जो हार्ट से टच हो रहा है, दैट इज़ द विसरल लेयर एंड दैट इज़ नोन एज एपिकार्डियम. उसको ही हम हार्ट का फर्स्ट मसल बोलते हैं, फर्स्ट मसल लेयर बोलते हैं. कौन सा बोलते हैं? फर्स्ट मसल लेयर. ये कुछ भी याद रहे ना रहे, ये याद रखो दैट द सीरस पेरिकार्डियम, विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम इज द फर्स्ट लेयर ऑफ हार्ट. विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम इज द फर्स्ट मसल ऑफ द हार्ट, दैट इज एपिकार्डियम. ओके, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो हम सीरस पेरिकार्डियम का फंक्शंस देखते हैं. ओके, क्या बताया गया? आई एम सो सॉरी, इट्स वेरी हॉट टुडे. ऑलराइट, सीरस पेरिकार्डियम का हमको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बताया गया है? कि ये सॉफ्ट होता है. मतलब ये जो इनर लेयर होता है, दिस इज सॉफ्ट. इट इज मॉइस्ट. मॉइस्ट मतलब इट विल ऑलवेज कंटेन सम मॉइस्चर. इट विल ऑलवेज बी वेट एंड इलास्टिक इन नेचर. इलास्टिक मतलब स्ट्रेचेबल होता है, क्योंकि हार्ट को पंप करना है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करना पड़ेगा. तो मतलब हार्ट का मेम्ब्रेन इलास्टिक होना चाहिए. ओके,
इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्क्वायमस एपिथीलियम. आपने ये स्क्वायमस एपिथीलियम के बारे में 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है जब आप स्टडी ऑफ एनिमल टिश्यूज पढ़ रहे थे. ओके, स्क्वायमस एपिथीलियम का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है. स्क्वायमस मतलब स्क्वायर, टाइल्स के शेप के सेल्स होते हैं, तो इनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसीलिए ये इलास्टिक होते हैं नेचर में. कैसे होते हैं ये? इलास्टिक होते हैं. सो इट इज़ सॉफ्ट. द सीरस पेरिकार्डियम, द इनर लेयर इज सॉफ्ट, मॉइस्ट एंड इलास्टिक, एंड इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ स्क्वायमस एपिथीलियम. इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू टू लेयर्स, पराइटल लेयर एंड विसरल लेयर. कौन सी दो लेयर्स में हमारा पेरिकार्डियम, ये सीरस पेरिकार्डियम डिवाइडेड हुआ है? मैं सीरस पेरिकार्डियम की बात कर रही हूँ. सीरस पेरिकार्डियम इज डिवाइडेड इंटू टू लेयर, पराइटल लेयर एंड विसरल लेयर. पराइटल लेयर एंड विसरल लेयर, और दोनों के बीच में क्या है? पेरिकार्डियल स्पेस. ओके, दीज टू लेयर्स आर सेपरेटेड बाय पेरिकार्डियल स्पेस. देखो, पराइटल लेयर या ऑरेंज लेयर और ग्रीन लेयर के बीच में क्या प्रेजेंट है? पेरिकार्डियल स्पेस प्रेजेंट है. सो दीज टू लेयर्स आर सेपरेटेड बाय पेरिकार्डियल स्पेस विच इज़ फिल्ड विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड. इसके अंदर क्या भरा हुआ होता है? ये जो मैंने ब्लैक कलर का zigzag लाइन्स बनाया है पराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में, ये जो ब्लैक कलर का मैंने लाइन्स बनाया है, दैट इज़ फ्लूइड. कौन सा फ्लूइड है वो? पेरिकार्डियल फ्लूइड. कितना क्वान्टिटी उसका अप्रॉक्सीमेटली बताया गया है? 50 ml. अप्रॉक्सीमेटली कितना क्वांटिटी प्रेजेंट होता है? 50 ml. अब इस फ्लूइड का क्या काम होता है? इसको, इस लाइन को स्टार मार्क करो जो मैं बताने जा रही हूँ. ये आपको एंट्रेंस नीट में पूछा जाता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड. दिस फ्लूइड एक्ट्स एज शॉक एब्जॉर्बर एंड प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरीज. ये जो फ्लूइड होता है, ये फ्लूइड क्या करता है? समझो जब किसी ने आपको यहाँ पर पंच किया, हार्ट के पास पंच किया, तो अचानक से हमारा हार्ट ऑर्गन डैमेज नहीं होता ना. सबसे पहले तो बाहर से स्किन प्रोटेक्ट करती है, फिर अंदर रिब केजेस है, बोन्स हैं, फिर उसके अंदर तक अगर और ज़ोर से मार रहा है कोई, तो हमारा पेरिकार्डियम उसको प्रोटेक्ट करेगा, मतलब हार्ट का ये जो आउटर लेयर है. और हार्ट के आउटर लेयर, अपर लेयर भी डैमेज हो गई, तो बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो फ्लूइड हार्ट तक उस शॉक को नहीं पहुँचने देगा. तो शॉक एब्जॉर्बर मतलब क्या होता है? किसी भी टाइप के झटके को एब्जॉर्ब करना. शॉक एब्जॉर्बर मतलब इलेक्ट्रिक शॉक नहीं, किसी भी टाइप के मैकेनिकल पुश को, मैकेनिकल प्रेशर को एब्जॉर्ब करना. सो ये जो फ्लूइड है आपका, दिस फ्लूइड एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर एंड इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल इंजरीज. गॉट इट? ओके. इट ऑल्सो कीप्स द हार्ट मॉइस्ट. इसके अलावा और क्या फंक्शन है हमारे पेरिकार्डियल फ्लूइड का? कि ये हमारे हार्ट को हमेशा मॉइस्ट रखता है. मॉइस्ट मतलब हमेशा मॉइस्चर रहता है, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स ड्राई नहीं होते हैं और वो प्रॉपर पंपिंग करते रहते हैं. आपने देखा होगा साइकिल की चेन में अगर ग्रीस कम हो जाता है तो साइकिल बहुत अटक अटक के चलने लगती है, करेक्ट है? फिर हमको उसमें ऑयलिंग करना पड़ता है, मतलब मॉइस्चर डालना पड़ता है. सीविंग मशीन मम्मी चलाती है, सिलाई की मशीन, तो उसमें भी अगर सुई ड्राई हो जाएगी या उसका लुब्रिकेंट कम हो जाएगा तो वो भी मतलब अटक अटक के चलता है. दुकान का शटर अगर वहाँ पर ऑयलिंग नहीं करेंगे, ग्रीसिंग नहीं करेंगे, तो वो भी बहुत आवाज़ कर करके बंद खुलेगा. तो उसी तरीके से हार्ट को अगर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स होना है, पंप होना है, तो उसको मॉइस्चर चाहिए होता है. और मॉइस्चर देने का काम कौन करता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड. सो इट कीप्स द हार्ट मॉइस्ट एंड इट ऑल्सो एक्ट एज लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो किसी दूसरे चीज़ को आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प कर रही है. हमने ये वाली लेबलिंग्स देख ली है हार्ट के. ये याद रखो कि आपका जो पेरिकार्डियम का इनर लेयर होता है वो हार्ट का फर्स्ट मसल लेयर होता है, दैट इज़ एपिकार्डियम. हार्ट का मिडल लेयर जो होता है उसको हम मायोकार्डियम बोलते हैं, विच इज़ कार्डियक मसल्स. और हार्ट का जो सबसे इनर लेयर होगा, हार्ट का सबसे इनर लेयर जो होगा, दैट इज़ एंडोकार्डियम. ओके, और ये क्या है? ट्रबैक्यूले कार्निए. ट्रबैक्यूले कार्निए का क्या काम होता है? हार्ट के अंदर से छोटे छोटे वेसल्स पास होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, जो हार्ट के अंदर ब्लड भरने का काम करते हैं. ओके, सो दैट इज़ ट्रबैक्यूले कार्निए. हम हार्ट के बारे में सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट देख रहे हैं. अब एक्चुअल कॉम्प्लिकेटेड पार्ट स्टार्ट होगा इन द नेक्स्ट सेशन. आज के सेशन में हमने क्या करने की कोशिश की है? वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द हार्ट, स्ट्रक्चर, वेट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसका पोजिशन, मीडियास्टेनम वगैरह वगैरह, और हार्ट का जो आउटर लेयर होता है. बार बार बोल रही हूँ मैं, आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट आ सकता है अबाउट पेरिकार्डियम. सो याद रखो, पेरिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट. इट इज़ अ मेम्ब्रेनस सैक. इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू लेयर, आउटर फाइब्रस, इनर सीरस. और सीरस लेयर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, पराइटल एंड विसरल. और पराइटल और विसरल का क्या काम है आपको यहाँ पर दिया गया है. मैंने बहुत कोशिश की है कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको ये इंट्रोडक्शन समझा सकूं. तो अगर आपको ये इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया है, तभी मैं आगे का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर अपलोड करूंगी. सो इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि हाँ मैम समझ में आया है,
ताकि मैं आगे का वीडियोस अपलोड कर सकूँ जल्दी से जल्दी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट को ईजी बनाकर समझा सकूँ, क्योंकि इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है और ये आपको लाइफ लॉन्ग याद रहना चाहिए कॉन्सेप्ट। ओके, सो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखो, दो बार देखो, टेक्स्ट बुक का थियोरी रीड करो और प्रीवियस सेशंस को भी देखो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक क्वेश्चन पूछा है वीडियो की स्टार्टिंग में कि कॉकरोच के हार्ट में कितने चेंबर्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चेंबर्स, बट कॉकरोच हार्ट हैज़ हाउ मेनी चेंबर्स, वो कमेंट सेक्शन में आंसर करके मेंशन करो। अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम इंस्टा फेसबुक पेज को ज्वाइन कीजिए, सारी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं जल्द ही, सी यू सून, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।